Good afternoon, children. In this session, we are going to learn about sorting in SQL. SQL में sorting के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, short commands. इसके लिए जो command हम लोग use करते हैं उसको बोलते हैं order by clause. Command का नाम है order by clause. And this is used to sort the data. Data को हम sort करते हैं या तो ascending order में और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर. दिस इज द यूज बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स. द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर फील्ड्स इन ए टेबल. बेसिकली अगर आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल में आपको उस डेटा को सॉर्ट करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज का कमांड का यूज करते हैं. जैसे अगर मान लो कोई क्वेरी बोला to display roll number, name and marks of a student on the basis of mark. जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, बोलेगा टू क्वेश्चन है कि वन मान लो हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करने बोला है, द रोल नंबर कॉमा नेम मार्क्स, ठीक है, एंड मार्क्स कर दीजिए, एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आपको करने के लिए बोलेगा. तो अब आप क्या करेंगे, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू डू व्हाट, हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोग माई एसक्यूएल पहले ओपन करते हैं. ओपन माई एसक्यूएल, क्लिक ऑन दैट. पासवर्ड अपना जो भी है आप उसको यूज करेंगे ना. सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, यूज़ करना होगा. डेटाबेस का नाम क्या है, टेक्निकल आसिफ, जिसमें हमारा डेटाबेस बना हुआ है. ओके चे, अब शो या पहले टेबल को डिस्प्ले करते हैं. सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, देख लेते हैं पहले. अब इसमें क्या करना है, क्वेरी क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले द रोल नंबर नेम एंड मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटा से बड़ा में आपको दिखा, तो वो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है और न्यूमरिक भी हो सकता है. तो हम लोग चलिए क्वेरी करते हैं. सेलेक्ट एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम विच टेबल, तो स्टूडेंट टेबल लिखेंगे. चलो स्टूडेंट टेबल, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे. ऑर्डर बाय क्या करना है, तो हमको नेम करना, नेम असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये क्या करेगा, जो नेम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा. इसको इंटरप्रेस करके देखिए, देखिए ए वाला पहले आया, फिर आर आया, फिर आया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया. और रोल नंबर से मतलब ये नेम के साथ. इसी को अगर हम ऑर्डर बाय नेम डीएससी लिखते हैं, डीएससी लिखते हैं, तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए लास्ट में चला गया, टी ऊपर चला गया. ऑर्डर बाय अगर आप यहाँ नेम की जगह हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर कर देते हैं. अब देखिए क्या होगा, 654321 डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दिया इसे. तो दिस इज द वे हाउ टू यूज ऑर्डर बाय क्लॉज. अब हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा है हमारे पास, तो वो है मैक्स, मीन, मैक्स है, मीन है, सम है, काउंट है, एवरेज है. दीज आर द डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन.
लिटरल मीनिंग तो सबको जानते हैं, हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। सपोज हम लोग को डिस्प्ले करना है सेलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, क्या सेलेक्ट करना है मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। देखिए क्या आउटपुट है, पहले के क्वेरी में डिस्प्ले द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है 95 है, दैट विल बी शोन। सिमिलरली आपको मिनिमम मार्क्स देखना है तो हम यहाँ मैक्स की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, मीन। ठीक है, तो देखिए मिनिमम मार्क्स कितना है 48 आ गया स्टूडेंट टेबल में। सिमिलरली काउंट करना है हमको कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या करना है, वी हैव टू काउंट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो काउंट कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट क्या करेंगे हम लोग, काउंट ब्रैकेट में लिख देंगे स्टार स्टूडेंट। देखिए बता दिया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप टेक्स्ट भी पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं बीच में। ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 68, टेक्स्ट को बस डबल कोट्स में इस तरह से लिख दोगे वो आउटपुट में आ जाता है। उसके बाद हमें एवरेज अगर निकालना चाहे तो एवरेज भी निकाल सकते हैं, है ना, ये एवरेज निकालना पूरे मार्क्स का, ये एवरेज निकल जाएगा, ये आ गया एवरेज में। एक मिनट चलो, ए वी जी ही लिखते हैं हम लोग, एवरेज अगर बोला ए वी जी फंक्शन यूज करते हैं, एवरेज मार्क्स भी आ गया। काउंट कर लिए, मैक्स कर लिए, मीन कर लिए, सम निकालना है पूरे मार्क्स का, सम निकालना है कि सम कितना आ रहा मार्क्स का, तो भी निकाल सकते हैं हम लोग, बस यहाँ पे लिख देंगे सीएम सम। ये देखिए सम आ गया। तो दिस द वे वी हैव टू यूज द डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस इन माई एसक्यूएल। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट ग्रुप बाय क्लॉज। थैंक यू।